आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में डिजिटल सिक्योरिटी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, जहां हम रोज सुनते हैं कि हैकर्स ने सिस्टम हैक कर दिए हैं या बैंक से इतने रुपए का फ्रॉड कर दिया है और इसी तरीके की कई सारी मैलिशियस एक्टिविटीज। ठीक वहीं पर एक पॉजिटिव साइड हैकिंग की एग्जिस्ट करती है, जिसको कि हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। एथिकल हैकिंग, जिसको कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग या कहें व्हाइट हैट हैकिंग भी कहते हैं, वो इन्वॉल्व करती है एक ऑथराइज्ड इंडिविजुअल को, जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और सॉफ्टवेयर्स की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है और उनको रेक्टिफाई करता है। इस वीडियो में हम एथिकल हैकिंग के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, इसके पर्पस को जानेंगे, मेथडोलॉजी को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि एक एथिकल हैकर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एथिकल हैकिंग क्या है। वेल, एथिकल हैकिंग एक कंट्रोल्ड अप्रोच है जो कि डिजिटल सिस्टम्स की सिक्योरिटी को इवेल्युएट करती है, ब्लैक हैट हैकर्स या कहें मैलिशियस हैकर्स के एक्शंस को मिमिक करके। बस फर्क इतना है कि एथिकल हैकर का इंटेंशन होता है सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, ना कि सिक्योरिटी को ब्रीच करना। एथिकल हैकर्स या कहें सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एक प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने में, ताकि उन वल्नरेबिलिटीज को मैलिशियस हैकर से पहले ढूंढा जा सके और ठीक किया जा सके। एथिकल हैकिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई सिस्टम वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटीज। सेकंड, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। थर्ड, डेवलप स्ट्रेटजीज टू इनहेंस सिस्टम सिक्योरिटी। फोर्थ, एंश्योर कंप्लायंस विद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। फिफ्थ, सेफगार्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये पांच चीजें हैं जो एक एथिकल हैकर को एंश्योर करनी पड़ती है और थ्रू आउट फॉलो करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग की मेथडोलॉजी की। एथिकल हैकर्स एक स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं अपने टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले आता है प्लानिंग एंड रिकॉग्निशंस। एथिकल हैकर्स शुरुआत करते हैं टारगेट सिस्टम या नेटवर्क को अंडरस्टैंड करने से। वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जैसे कि आईपी एड्रेसेस, डोमेन नेम्स और एम्प्लॉय डिटेल्स। ये इंफॉर्मेशन हेल्प करती है पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने में और उनकी आगे की टेस्टिंग अप्रोच को प्लान करने में। नेक्स्ट स्टेप है स्कैनिंग। इस फेज में एथिकल हैकर्स कई सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो टारगेट सिस्टम और नेटवर्क्स को स्कैन कर सकें ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज और वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए। ये टूल्स किसी भी सिस्टम के सिक्योरिटी पोस्चर के अंदर के वैल्यूएबल इंसाइट्स को प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं उन एरियाज को प्रायोरिटाइज करने में जिनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इसके बाद आता है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन इन्वॉल्व करता है टारगेट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना, जैसे कि यूजर अकाउंट्स, नेटवर्क शेयर्स और सॉफ्टवेयर वर्जन्स। ये स्टेप हेल्प करता है वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में, जिनको कि अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स की मदद से एथिकल हैकर्स वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को कंडक्ट करते हैं, ताकि किसी भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। ये वल्नरेबिलिटीज आउटडेटेड सॉफ्टवेयर से अराइज हो सकती हैं, मिसकॉन्फ़िगरेशन से हो सकती हैं या वीक एक्सेस कंट्रोल से पैदा हो सकती हैं। इसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन। अब जब वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, तो एथिकल हैकर्स सिस्टम या नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी भी नेटवर्क या सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। ये स्टेप ये वैलिडेट करने में हेल्प करता है कि वल्नरेबिलिटीज कितनी सिवियर हैं, और ये समझने में भी हेल्प करता है कि अटैकर्स किस तरीके से इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर सिस्टम की एक्सेस को गेन करेंगे। अब इसके बाद अगला प्रोसेस है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस फेज में एथिकल हैकर्स नेटवर्क और सिस्टम को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं बाय मिमिकिंग द एक्शंस ऑफ अटैकर्स जिन्होंने अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन की हो। इसका गोल होता है एक सक्सेसफुल ब्रीच के पोटेंशियल इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करना और उसके लिए एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स को अप्लाई करना। इसके बाद आखिरी स्टेप होता है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। एथिकल हैकर्स ने इस प्रोसेस में जो कुछ भी ढूंढा उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसमें कि जो वल्नरेबिलिटीज उन्होंने डिस्कवर की है वो इंक्लूडेड होती हैं, जो स्टेप उन्होंने परफॉर्म किए वो होते हैं और इन वल्नरेबिलिटीज का जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है वो इंक्लूडेड होता है। इस डॉक्यूमेंट के अलावा ये उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को एक डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि वो रिकमेंडेशंस होती हैं जिनकी मदद से सिक्योरिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि वो क्या स्किल्स या टूल्स हैं जो एक एथिकल हैकर बनने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। एथिकल हैकर
कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और एथिकल प्रिंसिपल्स को पोजेस करते हैं। कुछ असेंशियल स्किल्स या टूल्स जो एथिकल हैकर बनने के लिए जरूरी हैं, वो है नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, सिक्योरिटी टूल्स और कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्किंग की। एथिकल हैकर को नेटवर्क फंक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है, जैसे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं और नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवॉल्स की नॉलेज होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। एथिकल हैकर को ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रो एफिशिएंट होना जरूरी है, जैसे कि विंडोज, लिनक्स और मैकओएस। एथिकल हैकर्स को ये पता होना चाहिए कि इन सिस्टम्स को कैसे नेविगेट किया जाता है, इन पर कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म किए जाते हैं और इनकी वल्नरेबिलिटीज के बारे में समझ होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, C++, असेंबली लैंग्वेज एटसेट्रा एथिकल हैकर्स को अलाउ करते हैं कस्टम टूल्स को क्रिएट करने में, टास्क को ऑटोमेट करने में और वल्नरेबिलिटीज को इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट करने में। तो प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है वेब टेक्नोलॉजीज। एथिकल हैकर को वेब टेक्नोलॉजीज जैसे HTML, CSS, JavaScript और वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने में और कॉमन वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने में, लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या कहें XSS और SQL इंजेक्शन। इसके बाद आते हैं सिक्योरिटी टूल्स। एथिकल हैकर्स एक वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटी टूल्स को यूटिलाइज करते हैं अपने एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, नेटवर्क एनालाइजर्स, पासवर्ड क्रैकर्स एंड एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क्स। इनके एग्जांपल्स हैं Nmap, Wireshark, Metasploit एंड John the Ripper। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। एथिकल हैकर्स के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का होना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो वो अपनी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन को अपने क्लाइंट्स को इफेक्टिवली कन्वे नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से उन्होंने कितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो पर मैनेजमेंट उस पर इफेक्टिवली एक्शंस नहीं ले पाएगा। एडिशनली डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स भी काफी ज्यादा क्रूशल होती है, ताकि एथिकल हैकर एक डिटेल रिपोर्ट क्रिएट कर सके। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एथिकल हैकर्स डिजिटल सिक्योरिटी के वाइटल पिलर्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं उनकी डिजिटल वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने में और उनको इम्प्रूव करने में, ताकि मलिशियस अटैकर से उनको बचाया जा सके। एथिकल हैकर्स अपने एक्शंस को एक स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी में परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि वो कई सारे स्किल्स और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके एफर्ट्स अल्टीमेटली स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मेजर्स की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। हाउएवर, हमें ये पता होना चाहिए कि एक ब्लैक हैट हैकर और एक व्हाइट हैट हैकर के बीच में एक पतली सी लाइन का डिफरेंस होता है। वो पतली सी लाइन है एथिक्स, यानी कि जब कोई भी हैकर एक लीगल और ऑथराइज्ड फ्रेमवर्क में अपने टास्क को परफॉर्म करता है तो उसको एथिकल हैकिंग या कहें व्हाइट हैट हैकिंग कहा जाता है, और जो हैकर अनऑथराइज्ड फ्रेमवर्क या इलीगल काम करे तो उसको ब्लैक हैट हैकर या कहें मैलिशियस अटैकर कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।